कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स पर। देखिए, इस अक्टूबर माह के करंट अफेयर में बताने के लिए बहुत कम कंटेंट है, एकदम लिमिटेड कंटेंट है। अभी का जो वीडियो लेक्चर है ये काफ़ी छोटा बनेगा। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है 7 नवंबर और 17 नवंबर, आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू होने के बाद गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम, कोई भी नई योजनाएं नहीं ला सकती, उनके द्वारा कोई भी कैबिनेट निर्णय नहीं लिए जाते। इस कारण से ना आपका ये जो अक्टूबर का महीना है और जो नवंबर का महीना है, इसमें आपको बहुत कम करंट अफेयर के कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक कि आप न्यूज़पेपर भी उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें चुनावी मुद्दे, राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र, ये सारे चीज़ों पर ही डिस्कशन चलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2023 CGPSC ई पाठशाला के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी CGPSC प्री प्रारंभिक परीक्षा 2023 का टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि आपके CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में होगा। टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है आपके 20 नवंबर से। ठीक है, आप CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जा करके इस कोर्स सेक्शन में जाएंगे, यानी कि CGPSC प्री टेस्ट सीरीज में, वहाँ पर आपको किस किस डेट में कौन कौन से टेस्ट, किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट कंडक्ट होंगे, वो सारा टाइम शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टेस्ट सीरीज 20 नवंबर 2023 से शुरू होने वाला है। साथ ही साथ CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जा करके हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अब देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव के 2 डेट डिसाइड किए गए हैं। एक है आपका 7 नवंबर और दूसरा है आपका 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ के अलावा मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होगा, मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। तारीख आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सुमेलित कीजिए करके आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इन 5 राज्यों में से छत्तीसगढ़ अकेला एक ऐसा राज्य है जिसमें दो चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उसका कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में बहुत से जिले, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो कि दुर्गम क्षेत्र है। ठीक है, अबूझमाड़ का जंगल क्षेत्र, साथ ही साथ आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पे हिंसात्मक घटनाएं हो सकती है, उसमें एक चरण में चुनाव होगा और दूसरे चरण में बाकी बचे हुए क्षेत्रों में। यहां पर एक मैप दर्शाया गया है, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये जो नीले कलर का हिस्सा है, ये नीले कलर का हिस्सा जिसमें पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग आ रहा है, इधर आपका मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कबीरधाम वाला क्षेत्र आ रहा है, ये सभी के सभी जो क्षेत्र है ना, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में प्रथम चरण में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, लगभग 20 सीटों पर, और बचे हुए 70 सीटों में आपके 17 नवंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव होगा, मिजोरम में 40 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर, राजस्थान में 200 सीटों पर और तेलंगाना में 119 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इन सीटों की संख्या को भी याद रखिएगा, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, असत्य युग्म पहचानिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर से। ठीक है,
अगर बहुमत की बात किया जाए तो आधे से एक अधिक, जैसे 90 सीट है, 90 सीट का 50% कितना होगा, 45, 45 प्लस एक 46, तो वैसे सभी में है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, एक है 7 नवंबर और दूसरा है आपका 17 नवंबर। 7 नवंबर को 20 सीटों पर, ठीक, जो 7 नवंबर है इस 7 नवंबर को 20 सीट पर और 17 नवंबर को बचे हुए 70 सीट पर, टोटल कितना हो गया 90 चुनाव होंगे। तो कौन कौन से राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, किस किस डेट को हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 7 और 17, मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर। कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीट, मिजोरम में 40 सीट, मध्य प्रदेश में 230 सीट, राजस्थान में 200 सीट और तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव होंगे। इंपॉर्टेंट डाटा है, याद कीजिएगा, जिस जिस साल आपका विधानसभा चुनाव हुआ है उस साल के क्वेश्चन बने हैं, सीट सुमेलित कीजिए या तारीख को जो है किसी एकादि सत्य असत्य युग्म में डाल देता है, ठीक है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो दो चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे, ये जो ब्लू कलर का एरिया है यहां पर 7 नवंबर को 20 सीटों पर चुनाव होगा और जो बचा हुआ आपका येलो कलर का एरिया है ये 70 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पहले चरण में टोटल 20 सीटों पर, अब 20 सीट कौन कौन से है एक एक को तो पढ़ करके नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा ये 20 सीट नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में है, ठीक, जैसे कि राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, कांकेर, अंतागढ़, भानुप्रतापुर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, ये सभी सभी क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अगर हम बात करें 2018 के चुनाव की, 2018 में छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो टोटल आपके 90 सीट थे, 90 में से 68 सीट आपके कांग्रेस के पास और 15 सीट बीजेपी भाजपा के पास, 2 सीट आपके जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 2 सीट था आपका बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए, अभी जो वर्तमान में आपकी विधानसभा है उसमें 71 सीट कांग्रेस के पास है, 14 सीट भाजपा के पास है, 3 सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास है और 2 सीट आपके बसपा के पास है, ठीक है, क्योंकि बहुत से आपके विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ठीक, उपचुनाव भी हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में जो दो चरणों में जो चुनाव हो रहा है अगर उसकी एक प्रक्रिया पर नजर डाले, ये तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक एक बार डेट को जो है देख लीजिए। जैसे कि नामांकन जो है, पहले चरण में जो 20 सीटों पर चुनाव होंगे उसमें नामांकन की तिथि है 13 अक्टूबर, दूसरे चरण में नामांकन की तिथि है 21 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर, इस आपके दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जाँच 21 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए है जो है 31 अक्टूबर, नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर, इस दूसरे चरण के लिए है 2 नवंबर और मतदान होंगे आपके पहले चरण में 7 नवंबर को और द्वितीय चरण के लिए होंगे 17 नवंबर को और परिणाम यानी कि मतगणना होगी कब, आपके 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को जो है आपके रिजल्ट आएंगे। तो ये डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ, प्रोसेस क्या क्या हो रहा है ये याद रखना, नामांकन की आखिरी तारीख, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी की तारीख, मतदान और आपके मतगणना या परिणाम। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या, छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीट है, ठीक है, टोटल 90 सीट है, इस 90 सीटों में से 51 सीट अनरिजर्व्ड है, ठीक है, ये क्या है, अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है, जनरल बोल सकते हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड, जबकि 29 सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, और जो बचा हुआ 10 सीट है ये अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट इनके लिए आरक्षित है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, चाहे करंट अफेयर बोलिए या फिर आप छत्तीसगढ़ जीएस के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में टोटल 90 विधानसभा सीट है जिसमें से 51 सीट अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व्ड है,
29 सीट, 29 सीट जो है ये अनुसूचित जनजाति वर्ग शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है, और जो बचा हुआ जो 10 सीट है ये अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट इनके लिए आरक्षित है। टोटल आपके 90 सीट, ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी की खरीदी। हमारे प्रदेश में जो है कोदो कुटकी की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले विपणन वर्ष से की जा रही है। अगर पहले के, अगर इनके रेट की बात किया जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो पिछले साल कोदो की खरीदी 3000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही थी और कुटकी की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही थी। अब इस साल कोदो की खरीदी जो है ये 3200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और कुटकी की खरीदी 3350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये वाले आंकड़े को याद रखिएगा, ठीक है, इस आंकड़े को याद रखिएगा। कोदो की खरीदी 3200 रुपये प्रति क्विंटल, पिछले विपणन वर्ष की तुलना में 200 रुपये के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, और कुटकी की खरीदी 3350 रुपये प्रति क्विंटल जिसमें 250 रुपये की वृद्धि की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी की खरीदी, कोदो की खरीदी 3200 रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी की खरीदी 3350 रुपये प्रति क्विंटल के दर से की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन वर्ष 2024-25। विपणन वर्ष यानी कि अगले वर्ष के लिए रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मसूर दाल, रेपशीड, सरसों, कुसुम, यहां किसकी बात हो रही है? यहां बात हो रही है आपके रबी की फसल की, खरीफ की बात नहीं हो रही है, रबी के फसल की बात की जा रही है। रबी के फसल जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम ये शामिल है, और इसमें विपणन वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, ठीक है। गेहूं की खरीदी की जाएगी 2275 रुपये प्रति क्विंटल, जौ की खरीदी की जाएगी 1850 रुपये प्रति क्विंटल, चना की खरीदी की जाएगी 5440 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल की खरीदी की जाएगी 6425 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों की खरीदी की जाएगी 5650 रुपये प्रति क्विंटल, कुसुम की खरीदी की जाएगी 5800 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें पिछले विपणन वर्ष में क्या मूल्य था और कितने आपका 2024-25 के लिए क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसे कंपेयर कर लीजिएगा। कितने की वृद्धि हुई है? गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए, जौ में 115 रुपए, चना में 105 रुपए, मसूर दाल में 425 रुपए, सरसों में 200 रुपए, कुसुम में 150 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है। इसमें एक गेहूं का याद रखना, चना का याद रखना, जौ का याद रखना, ये शुरू के तीन का तो कम से कम याद रखना। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024-25 के लिए 2275, जौ का 1850, चना का 5440, मसूर दाल का 6425, सरसों का 5650, कुसुम का 5800 रुपये प्रति क्विंटल, ये विपणन वर्ष 2024-25 के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट है आपका स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, देखिए पिछले महीने के भी करंट अफेयर मैंने आपको बताया था, इसके इसमें जो है अब कुछ और डिटेलिंग भी है, इसको समझना। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2023 को की गई, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डेट कि स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई, तो 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत की गई। ये स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के तर्ज पर इसकी शुरुआत की गई है। हमारे प्रदेश में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल है, उसी के तर्ज पर स्वामी आत्मानंद कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, शासकीय कॉलेज। अब आ गया है स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, जिसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया। प्रदेश के 146 विकास खंड मुख्यालयों तथा 4 शहर कौन कौन से है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और आपका कोरबा, ठीक है, 4 शहर
रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और इनके साथ साथ 146 विकास खंड मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर के माध्यम से कक्षा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्री मेडिकल तथा प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी। प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए इसके लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट के साथ जो है MOU हस्ताक्षर किया गया, समझौता हुआ है। एक इंस्टीट्यूट है, प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट, एलन करियर इंस्टीट्यूट। छत्तीसगढ़ सरकार और इस एलन करियर इंस्टीट्यूट के मध्य MOU हस्ताक्षर हुआ है। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ये प्रदेश में जो 12वीं में अध्ययनरत छात्र है उन्हें प्री मेडिकल तथा प्री इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग देगी, ठीक है। चयन के लिए कक्षा 10वीं में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि अगर इस कोचिंग में एडमिशन चाहिए तो इस कोचिंग में एडमिशन के लिए 10th में 60% आना अनिवार्य है। तब जाकर के 11th और 12th करते समय, जब विद्यार्थी आपके 11th में जाएंगे, 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे होंगे, तब वो इस इंस्टीट्यूट यानी कि जो आत्मानंद कोचिंग के माध्यम से निःशुल्क प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि 10वीं में 60% आना अनिवार्य है। इसमें 75 से लेकर के 100 सीट होंगे, ठीक है, 75 से 100 सीट होंगे। अभी तो शुरुआत में 100 सीटों की बात की जा रही है। इसमें से जो 100 सीट में से 50 सीट प्री इंजीनियरिंग और जो 50 सीट है ये प्री मेडिकल के लिए होगा, ठीक है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। तो टोटल 100 सीट में से 50 सीट प्री इंजीनियरिंग के लिए और 50 सीट जो है ये प्री मेडिकल के लिए होगा। 10वीं में 60% आना अनिवार्य है। और ये जो आपके विकासखंड मुख्यालय और जो 4 शहरों के जो नाम इसमें दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो कोचिंग में 3 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक कोचिंग संचालित होगी, ठीक है। दोपहर के 3 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक ये जो स्वामी आत्मानंद कोचिंग में जो है कक्षाएं संचालित होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गायता जोहारनी पर्व। अब ये क्या है, देखिए, ये बस्तर संभाग का सबसे बड़ा त्यौहार पुनांग पंडुम गायता जोहारनी पर्व है, ठीक है। ये बस्तर संभाग का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसका पूरा नाम है पुनांग पंडुम गायता जोहारनी पर्व। ये एक्चुअली में कांकेर और कोंडागांव वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से ये गायता जोहारनी पर्व मनाया जाता है। इसका आयोजन नया खानी पर्व के बाद प्रत्येक ग्राम एवं उपखंडों में होता है। जो बस्तर क्षेत्र में जब नया खानी पर्व मनाया जाता है तो नया खानी पर्व के बाद प्रत्येक ग्राम एवं उपखंडों में यह गायता जोहारनी पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान रेला पाटा और मांदरी नृत्य किस पर्व में किया जाता है, तो गायता जोहारनी पर्व में किया जाता है। इस पर्व में अच्छा फसल की पैदावार के साथ साथ सर्व जीव जगत की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इस पर्व में प्रसाद के रूप में चिवड़ा और गुड़ का प्रसाद प्रदान किया जाता है। इस पर्व में 17 गांव के गायता, पटेल, पुजारी, स्व समाज के अध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। इस कार्यक्रम में संवैधानिक अधिकारों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। एक्चुअली में जो कांकेर और कोंडागांव वाला जो क्षेत्र है, बस्तर वाले क्षेत्र को भी अगर हम ले ले, तो आसपास के जो गांव है उस गांव के गायता, पटेल, पुजारी, स्व समाज के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। प्रसाद स्वरूप चिवड़ा और गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। यह पर्व अच्छे फसल के पैदावार की कामना के साथ साथ सर्व जीव जगत की सुख समृद्धि के लिए इस पर्व का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में रेला पाटा और मांदरी नृत्य किया जाता है। नया खानी पर्व के बाद प्रत्येक गांव और उपखंडों में इस पर्व का आयोजन होता है। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले बूढ़ा देव की सेवा
अर्जी कर सभी समाज प्रमुख को पगड़ी बांधकर महुआ फूल हार हल्दी चावल का टीका लगाकर स्वागत किया जाता है। इस त्यौहार में खेतों पर उगने वाले धान की नई बाली धान की नई फसल की बालियों को तोड़कर उन्हें आग में भुना जाता है और उसे कूटकर गुड़ और चिवड़ा मिलाकर अपने देवी अन्नपूर्णा और घर के देवी देवताओं एवं पूर्वजों को अर्पित कर पूजा किया जाता है और उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार बैठ करके ग्रहण करते हैं। इतना थ्योरी बताने का कोई उद्देश्य नहीं है कि इस थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा याद रखना कि जो गायता जोहारनी पर्व है ये बस्तर संभाग वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसमें गायता पटेल पुजारी व स्व समाज के अध्यक्ष शामिल होते हैं। इस पर्व में रेला पाटा और बांद्री नृत्य किया जाता है, जो कि नया खानी पर्व के बाद प्रत्येक गांव और उपखंड में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इतना फैक्ट पहले याद रखना, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्र को समर्पण। जो नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बस्तर क्षेत्र में आकर के उन्होंने कुछ संयंत्र का उद्घाटन किया, रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, अब वो क्या क्या उद्घाटन है उसे देख लीजिए, उसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है जो बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टील लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट, आप सभी को पता है नगरनार स्टील प्लांट जिसका निर्माण काफ़ी समय से हो रहा है, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, बस्तर के स्थानीय समुदाय का सपना हुआ पूरा, हजारों लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार, ये बात की बात है। लेकिन इतना याद रखना कि जो NMDC, देखिए NMDC जो है ये केंद्र सरकार के अधिग्रहित एक उत्खनन कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो कि खनिज के उत्खनन करने वाली कंपनी है। ठीक है, बेलाडीला की पहाड़ी में लौह अयस्क का उत्खनन करती है। अब ये जो कंपनी है ये स्वयं का स्टील प्लांट भी स्थापित कर चुकी है, कहाँ पर? नगरनार में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, बाकी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए कोई, एक मिनट, ये आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है आपका अंतागढ़ ताड़ोकी नई रेल लाइन। ठीक है, ये अंतागढ़ कांकेर वाला जो एरिया है, कांकेर में है आपका अंतागढ़ ताड़ोकी नई रेल लाइन, इसको याद रखना। नेशनल हाईवे 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड का चौड़ीकरण, ये चौड़ीकरण भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना कि जो नेशनल हाईवे नंबर 43 है ये जशपुर के कुनकुरी को झारखंड से कनेक्ट करता है। ठीक है, जशपुर के कुनकुरी को झारखंड से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे नंबर 43, ये भी आप लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अमृत भारत स्टेशन योजना जिसके तहत जो रेलवे स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, उनका विकास किया जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जगदलपुर रेलवे स्टेशन का भी उन्नयन किया गया। एक लास्ट है ताड़ोकी रायपुर डेमू ट्रेन। अब ये ट्रेन के बारे में याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रख लेना ताड़ोकी, ये कांकेर का एक रेलवे स्टेशन है ताड़ोकी, एक नया आपके डेमू ट्रेन सेवा शुरू की गई है आपके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत। एक पैसेंजर ट्रेन है ताड़ोकी से लेकर के रायपुर के मध्य, यानी कि कांकेर और रायपुर के मध्य। ठीक है, ताड़ोकी रायपुर डेमू ट्रेन। नेक्स्ट देखिए, प्रवीण वर्मा बनाए गए CGPSC के नए अध्यक्ष चेयरमैन। जो पूर्व चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी जी, जिन्हें पीएससी विवाद बोलिए या उनका कार्यकाल भी ऑलरेडी आपका पूर्ण हो चुका था, उनके पश्चात अगले चेयरमैन बनाए गए हैं CGPSC, यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अगले चेयरमैन बनाए गए हैं प्रवीण वर्मा जी। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष है। नाम क्या है? प्रवीण वर्मा। अगर पहले के अध्यक्षों की बात की जाए
तो पहले अध्यक्ष थे आपके मोहनलाल शुक्ल 2001 से लेकर 4 के मध्य, उसके बाद दूसरे थे आपके अशोक दरबारी 2004 से 2008 के मध्य, तीसरे थे बीएल ठाकुर 2008 से 2011 के मध्य, चौथे थे आपके प्रदीप कुमार जोशी 11 से 15 के मध्य, पांचवे थे आरएस विश्वकर्मा 2015 से 2017 के मध्य, छठवे थे आपके केआर पिसदा 2017 से 2022 के मध्य, सातवें थे आपके टामन सिंह सोनवानी जी 2022 से 2023 तक, अब प्रवीण वर्मा ये बनाए गए हैं आठवें सीजीपीएससी के नए अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 2023 से अभी निरंतर है। ठीक है, बाकी बीच में कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बने देख सकते हैं, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कम से कम इतने शुरू के इन नामों को याद कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना ये क्या है, ये फ्री बस सुविधा है। फ्री बस सुविधा, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को की गई, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कॉलेज पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज़्यादा नियमित विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए है, सीधा लिखा हुआ, शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 1 लाख से ज़्यादा नियमित विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई, 7 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई, मुफ्त परिवहन सुविधा की शुरुआत छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना। एक मेरे हिसाब से ये जो योजना है, इस योजना को इससे पहले मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना के नाम से शुरू किया जाना था। ठीक है, अगर आप नेट में सर्च करेंगे छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पीछे एक बैनर लटका हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना लिखा हुआ है, लेकिन इस योजना का नाम उसी डेट यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को ही इस योजना को मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना न करके छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना किया गया है। अब देखिए, ये कोई नई योजना है कि क्या है, इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी को जानकारी होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना से संबंधित जानकारी। अगर लिंक होगा आपके पास तो लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, लेकिन मैंने जितना भी सर्च किया वहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के थ्योरेटिकल डिटेल दिए गए हैं, जबकि जो फोटोस है उस फोटो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीछे जो बैनर लटका हुआ है उस बैनर में मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना शुभारंभ 7 अक्टूबर 2023 स्थान मुख्यमंत्री निवास ये लिखा हुआ है। इस ये जो योजना है वो इस नाम से शुरू किए जाने की तैयारी थी, लेकिन उसे छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना के नाम से शुरू किया गया, यह मेरा अनुमान है। अगर ये कोई अलग योजना है तो इससे संबंधित भी जानकारी कृपया करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्रदान कीजिएगा, जिसे अगले महीने के करंट अफेयर के वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसमें ये डेट याद रखना है ना, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री युवा मितान परिवहन योजना की शुरुआत हुई, जो कि शासकीय कॉलेज और राजकीय विश्वविद्यालय पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, फ्री बस सेवा। नेक्स्ट है, 82 चयनित विकास खंडों में बनेंगे जैतखाम। देखिए, भरोसे के सम्मेलन का आयोजन हो रहा था हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में, आयोजित भरोसे के सम्मेलन जिसमें मुख्य अतिथि थे सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को इस जैतखाम का शिलान्यास किया गया। देखिए, ये जो जैतखाम है पूरे प्रदेश भर में टोटल 82 विकास खंडों का चयन किया गया है।
ठीक है, 82 विकास खंडों का चयन किया गया है जहां पर जैत खाम की स्थापना की जाएगी। ये जो जैत खाम है, इस जैत खाम का संबंध सतनाम पंथ से है। सतनाम पंथ या सतनामी समाज, हमारे प्रदेश में दो पंथ काफी प्रचलित है, एक है कबीर पंथ और दूसरा है आपका सतनाम पंथ। तो ये जो जैत खाम का संबंध है ये सतनाम पंथ से है। गुरु घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी, गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली गिरौदपुरी, जहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा जैत खाम है, प्रदेश का सबसे बड़ा जैत खाम स्थापित है। ठीक है, गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी में, जिसकी ऊंचाई है 77 मीटर, इसकी ऊंचाई है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, उससे ऊंचा है हमारे छत्तीसगढ़ का जैत खाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैत खाम प्रदेश का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा जैत खाम है आपकी गिरौदपुरी में। गिरौदपुरी जो कि गुरु घासीदास जी का जन्म स्थली है। ठीक है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी, तो सतनाम पंथ से संबंधित है आपका जैत खाम। पूरे प्रदेश भर में 82 विकास खंडों का चयन किया गया है जैत खाम स्थापित किए जाने के लिए, और इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। कहां से की गई है? रायगढ़ से की गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये 82 चयनित विकास खंड है, इस डाटा को याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राज्य महुआ बोर्ड स्थापना। महुआ जो कि एक लघु वनुपज है, हमारे प्रदेश में लघु वनुपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। हमारे प्रदेश में वर्तमान में 67 प्रकार के लघु वन उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इससे पहले ये था आपका 65 से बढ़कर के हो गया 67। इन 67 प्रकार के लघु वन उपजों में महुआ भी एक शामिल है। ठीक है, महुआ भी शामिल है। तो छत्तीसगढ़ राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की जाएगी, अभी स्थापना हुआ नहीं है, स्थापना किया जाएगा। उद्देश्य, महुआ के फूल फल बीज की बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण हो सके, उसके खाद्य एवं औषधि उपयोग के साथ साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके, बायोडीजल या एथेनॉल के उत्पादन हेतु उद्योगों की स्थापना भी संभव हो, ये इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। ये है आपका महुआ। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, घोषणाएं क्या क्या है इसे थोड़ा सा समझिए। छत्तीसगढ़ महिला कोष, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूरा पटा दिया है, उन्हें 4 लाख के स्थान पर अब अधिकतम 6 लाख रुपए का ऋण की पात्रता होगी। साथ ही 4 से 6 लाख रुपए तक के ऋण की अदायगी महिला स्व सहायता समूहों से ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात 60 मासिक किस्तों में की जाएगी। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किस्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जाएगा। अगर जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी की थी किए थे, यानी कि जो आपके फीमेल है, जिन्होंने फीमेल सुपरवाइज़र महिला पर्यवेक्षक का तैयारी किया था, उसमें महिला एवं बाल विकास विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन था। उस प्रशासनिक प्रतिवेदन में ये छत्तीसगढ़ महिला कोष काफ़ी हाईलाइट में था और इससे प्रश्न पूछे भी गए थे। अभी अक्टूबर माह में घोषणा किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ये आगे अगर कोई फीमेल सुपरवाइज़र यानी कि महिला पर्यवेक्षक की अगर कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें ये डाटा इंपॉर्टेंट है। महिला छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत ऐसे महिला समूह जिन्हें प्रथम बार ऋण लेकर के पूरा पटा दिया है, यानी कि ऋण को जो है वापस कर चुके हैं, उन्हें 4 लाख के स्थान पर अधिकतम 6 लाख का ऋण दिया जाएगा। ठीक है, 4 के बजाय 6, यानी कि 2 लाख की वृद्धि की गई है। साथ ही साथ
चार से छह लाख रुपए तक के ऋण की अदायगी महिला स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला स्व सहायता समूह से ऋण प्राप्ति के छह माह के बाद, यानी कि जब ऋण प्रदान किया गया है उसके छह महीने बाद 60 मासिक किस्तों में की जाएगी, यानी कि 60 किस्तों में उन्हें जो है ऋण चुकाना है। पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किस्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा है सक्षम योजना, ये भी आपके छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत ही है। सक्षम योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है, यानी कि इस आपकी जो सक्षम योजना है छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत, उसकी जो पात्रता की जो शर्तें थी उसे थोड़ा सा कम किया गया है, शर्तों को थोड़ा सा शिथिल किया गया है। महिला हितग्राहियों की ऋण लेने की पात्रता परिवार की वार्षिक आय के स्थान पर स्वयं के वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित होगी। पहले क्या था कि इस सक्षम योजना के अंतर्गत जो पात्रता था उसमें उस महिला के परिवार की कुल आय को देखा जाता था, तो परिवार की कुल वार्षिक आय के स्थान पर उस महिला के स्वयं की वार्षिक आय का आय के आधार पर अब सक्षम योजना की पात्रता का निर्धारण होगा। पारिवारिक वार्षिक आय राशि 1 लाख रुपए के स्थान पर अब जिस महिला की वार्षिक आय की सीमा राशि 2 लाख रुपए तक होगी उसे ऋण प्रदान किया जाएगा। पहले परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए हो, 1 लाख रुपए या उससे कम हो तब वो सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र होती थी। अब जो है परिवार की वार्षिक आय हटा दिया गया है, जिस महिला को इस सक्षम योजना के अंतर्गत जिसे लाभ मिलना है उसके स्वयं की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तब वो जो है सक्षम योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महिला कोष में 4 लाख के स्थान पर 6 लाख रुपए सॉरी, और सक्षम योजना में परिवार की वार्षिक आय के स्थान पर स्वयं के वार्षिक आय निर्धारित किया गया है। महिला कोष द्वारा ऋण योजना व सक्षम योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए मात्र 3% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महिला परिवेक्षक में क्वेश्चन में आया भी था ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलप्रपात, हमारे प्रदेश के कुछ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को जो आप पढ़ते होंगे, किसी भी बुक से पढ़ते होंगे, तो उसमें जो है बहुत लिमिटेड आपके जलप्रपात है, ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन बनते आ रहे हैं ऐसे जलप्रपात है। लेकिन इसमें जो है जो न्यूज़ आर्टिकल आप पढ़ते हैं उसमें कुछ नए जलप्रपात के नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, और ऐसे ही जलप्रपातों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। जैसे कि परसा खोला झरना, ये मौजूद है आपके कोरबा में, परसा खोला झरना कोरबा। दूसरा है गुल्लू जलप्रपात, ये मौजूद है आपके जशपुर जिले में। तीसरा है भुनभुनी जलप्रपात, ये है आपके बस्तर जिले में, पहले शायद ही सुने होंगे। दूसरा है आपका संवारी झोझा जलप्रपात जो कि है आपके कवर्धा जिले में। चिंगरा पगार जलप्रपात जो कि है कवर्धा, जो कि है आपके गरियाबंद जिले में। धसकुंड जलप्रपात, ये धसकुंड जलप्रपात बहुत बार न्यूज़ में आ रहा है, इसको थोड़ा याद रखना कि किस जिले में है, महासमुंद जिले में है। रानी झरिया जलप्रपात जो कि है कोरबा जिले में। सातधारा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिले में। साजा खांड बांध, ये बांध है ना, जलाशय है, साजा खांड बांध ये मौजूद है बैकुंठपुर कोरिया में। और एक है आपका ठगड़ा बांध जो कि मौजूद है आपके दुर्ग में। ये ठगड़ा बांध से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दुर्ग जिले में स्थित ठगड़ा बांध एक नया पिकनिक स्पॉट भी बना है, ठीक है। तो ठगड़ा बांध किस जिले में पूछा जाए तो ये दुर्ग जिले में स्थित है। तो ये जलप्रपात और दो बांध के नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट है पत्रकार सुरक्षा कानून। हमारा छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है, ठीक है। अब कौन कौन सी सुरक्षा प्रदान की जा रही है इसे भी देख लीजिए, ये पहले वाले को तो हटा दीजिएगा या पढ़ लीजिए। विकासखंड स्तर पर अधिमान्यता का प्रावधान, समाचार संस्थानों को अधिमान्यता कोटा 2 गुना, अधिमान्यता अवधि अब 1 की जगह 2 वर्ष। ये क्या है, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया, ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि राशि 5,000 से बढ़ा करके आजीवन 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, यानी कि जो मीडिया कर्मी वरिष्ठ बुजुर्ग उन्हें जो है उनकी सम्मान निधि की राशि जो है 5,000 रुपये से आजीवन 10,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि पेंशन राशि आप समझ सकते हैं, ठीक है। अर्हतादायी की आयु 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है, यानी कि इसमें जो वरिष्ठ मीडिया कर्मी जिन्हें पेंशन के रूप में 5,000 के स्थान पर 10,000 मिलेगा उनकी आयु पहले 62 वर्ष थी, 62 वर्ष से घटा करके उसे 60 वर्ष कर दिया गया है।
पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता राशि 50,000 से 2,00,000 रुपए, आकस्मिक मृत्यु पर 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो पत्रकार कल्याण कोष है उसमें आर्थिक सहायता राशि 50,000 रुपए से 2,00,000 रुपए तक, यानी कि वो विकलांगता वाले केस में, और आकस्मिक मृत्यु में 5,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वर्गीय ललित सुरजन आवास ऋण योजना, आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू, 30,00,000 तक आवास ऋण पर 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। मीडिया कर्मियों के सेना के सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कौशल्या विहार में 300 पत्रकारों के लिए मकान में 15% की छूट। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। हमारा छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। ये श्रम विभाग से संबंधित कुछ आपके आंकड़े हैं। देखिए, न्यूज़ में जो आर्टिकल, जो आपके आंकड़े आते हैं ना, ये थोड़ा अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उन आंकड़ों को देती है पब्लिश करने के लिए न्यूज़पेपर में। तो इस ये जो आपके न्यूज़पेपर में जो आंकड़े आते हैं या किसी विभाग से संबंधित जो नए डाटा आते हैं ना, उसको थोड़ा सा फॉलो में रखा कीजिए, क्योंकि ये अपडेटेड डाटा रहते हैं। ये श्रम विभाग से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास न्याय योजना के तहत 500 हितग्राहियों को 25,000 रुपए के मान से 5,00,000 रुपए की राशि का भुगतान तथा 1,00,000 का प्रावधान किया जाएगा। 60 वर्ष से ज़्यादा आयु व 10 वर्ष से पंजीकृत श्रमिकों को जीवन पर्यंत 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाएगा। नए आवास खरीदने एवं अपने भूखंड पर निर्माण के लिए 50,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। महिला निर्माण श्रमिकों को प्रथम 2 प्रसव हेतु 20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो सन्निर्माण कार्य में लगी हुई जो महिलाएं हैं उन्हें प्रथम 2 प्रसव के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि उन्हें प्रदान की जाएगी। महिला श्रमिकों को ई रिक्शा खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये पहले 50,000 था, इसे बढ़ाकर के 1,00,000 कर दिया गया है। कार्यस्थल दुर्घटना में मृत्यु पर 5,00,000 रुपए तथा विकलांगता की स्थिति में 2,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 18 से 60 वर्ष की आयु सीमा के श्रमिक को निःशुल्क पंजीकरण एवं नवीनीकरण की सुविधा प्रदान होगी। इसके अलावा 3 साल पुराने पंजीकृत 59-60 साल की आयु वाले श्रमिकों को 1,20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। यानी कि ऐसे श्रमिक जो कि पिछले 3 साल से पंजीकृत है उन्हें 59 और 60 साल के आयु वाले श्रमिकों को 20,000 रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है विविध कुछ मिसलेनियस, ये लास्ट है। गढ़वतिया पहाड़ ये किस जिले में है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके सूरजपुर जिले में। इस पहाड़ी का नाम याद रखिएगा बस, कि गढ़वतिया पहाड़ किस जिले में है, सूरजपुर जिले में। फॉरेस्ट वेटलैंड पार्क ये स्थापित किया जा रहा है आपके नंदनी माइंस दुर्ग में। दुर्ग जिले के नंदनी में प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल स्थापित किया जा रहा है, वहीं पर आपका फॉरेस्ट वेटलैंड पार्क भी स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क ये है आपके आरंग में। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो आसमान से जो वर्षा होती है उसके पानी की मतलब व्यवस्था करना। जो देखिए वर्षा का पानी क्या होता है, जनरली आसमान से पानी गिरता है और वो व्यर्थ हो जाता है, नालों के माध्यम से बह करके वो आपका नदियों में जाकर के मिल जाता है। तो उस पानी को सुरक्षित करने की जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क स्थापित किया जा रहा है आपके आरंग में। छत्तीसगढ़ के कांकेर मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। नेक्स्ट है नगर निगम रायगढ़, रायगढ़ नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। आजकल ना ये छोटे मोटे अवार्ड से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्न पूछा जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए किस नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्रदान किया गया, तो आपके रायगढ़ नगर निगम। 37वें नेशनल गेम्स जिसका आयोजन गोवा में हो रहा है, गोवा में 25 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2023 ये नेशनल गेम हो रहा है। कौन से नंबर का है, 37वें नंबर का नेशनल गेम है जो कि गोवा में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे प्रदेश की ज्ञानेश्वरी यादव जो कि भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग और मिनी गोल्फ टीम को स्वर्ण पदक मिला है। अब तक टोटल 12 पदक छत्तीसगढ़ के खाते में आ चुके हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक है,
एक स्वर्ण पदक ज्ञानेश्वरी यादव जिन्होंने वेटलिफ्टिंग में जीता है, और दूसरी है मिनी गोल्फ टीम। आगे और अपडेट हो सकता है क्योंकि डेट है आपके 9 नवंबर 2023 तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 15वें जज रविंद्र अग्रवाल को नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थापना के बाद से 22 जजों के पद स्वीकृत है। रविंद्र अग्रवाल की नियुक्ति के बाद यह संख्या 15 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिन्हा। अब यहाँ पर ध्यान देना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 15वें जज बोला जा रहा है, इसको मुख्य न्यायाधीश मत समझ लेना, जज, ठीक है। जज यानी कि न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश बोला जाएगा तो चीफ जस्टिस होता है, ये जस्टिस है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब स्थापना हुआ वर्ष 2000 में, तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट जो बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में अधिकतम जजों की जो संख्या है ये 22 निर्धारित की गई थी, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सहित जजों की अधिकतम संख्या होगी 22। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 15, इनकी नियुक्ति के बाद, आपके रविंद्र अग्रवाल की नियुक्ति के बाद। वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है रमेश सिन्हा, ये हमारे प्रदेश के 15वें मुख्य न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश और ये जज, इसको लेके कंफ्यूज मत होना। हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा सहित टोटल 15 जज है, 15 जजों का पैनल है, ठीक है। तो आपके रविंद्र अग्रवाल ये 15वें जज है, इससे पहले टोटल जजों की संख्या थी 14, इनके नियुक्ति के बाद अब हो गई है 15, जबकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अधिकतम जजों की स्वीकृत संख्या है 22, ठीक। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट CGPSC ई पाठशाला के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि CGPSC प्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 नवंबर 2023 से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए।